हेलो फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जी ई टेक्निक। फ्रेंड, हमने पिछली वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में बताया था, मल्टीमीटर क्या होता है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फ्रेंड मल्टीमीटर के प्रकार। अब हम मल्टीमीटर के प्रकार की बात करेंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें, मल्टीमीटर के सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक एनालॉग मल्टीमीटर होता है और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर होता है। इनके अंतर्गत ही अन्य मल्टीमीटर का विकास हुआ है। तो आइए इन दोनों के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर और डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर क्या है फ्रेंड? एनालॉग मल्टीमीटर ऐसा उपकरण होते हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिकल मात्रा जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और सिंगल पावर को मापने के लिए किया जाता है। बुनियादी कार्य क्षमता में वोल्ट में क्षमता का मापन, ओम के प्रतिरोध और एम्प में करंट शामिल है। एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिकल समस्याओं को खोजने के लिए किया जाता है फ्रेंड। एनालॉग मल्टीमीटर में उन्नत इकाइयां और संधारित डायोड और आईसी परीक्षण मोड जैसे अधिक सुविधाओं के साथ आती है फ्रेंड। एनालॉग मल्टीमीटर द्वारा किए गए विशिष्ट मापों में डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, ऐसी धाराओं के लिए आवृत्ति रेंज और डेसिबल माप शामिल है फ्रेंड। वर्तमान में मापने वाले एनालॉग मल्टीमीटर में एक मौजूदा क्लैंप हो सकता है फ्रेंड, जो एक जांच के रूम में अंतर्निहित या कॉन्फिगर किया गया हो। एक क्लैंप एक सेंसर जो तारों के चारों ओर दब जाता है फ्रेंड। एनालॉग मल्टीमीटर की खोज करते समय यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि जो मान मापा जा रहा है उसके लिए माप सीमा एक एनालॉग मल्टीमीटर है, एक डायल के माध्यम से मूल्यों का प्रदर्शित करता है हो। आमतौर पर एक चलती सूचक या सुई एनालॉग मल्टीमीटर में होती है। एनालॉग मल्टीमीटर आमतौर पर बेस स्टॉप हैंड हेल्ड होते हैं। बेस स्टॉप मॉडल और हैंडल और व्हील के इस्तेमाल से भी पोर्टेबल हो सकते हैं। हाथ से पकड़े गए मल्टीमीटर को एक हाथ से संचालित किया जा सकता है। एनालॉग मल्टीमीटर के लिए सामान्य विशेषताओं में बैटरी पावर, अधिभार, संरक्षण, तापमान, मुआवजा, प्रतिबिंबित पैमाने में रेंज, स्विच, डायोड टेस्ट टेस्ट और बैटरी टेस्ट शामिल है फ्रेंड। पावर में प्लग के बिना बैटरी पावर वाले डिवाइस संचालित किए जा सकते हैं फ्रेंड। अधिभार संरक्षण वाले मल्टीमीटर में मीटर की सुरक्षा के लिए फ्यूज या अन्य विधि होती है फ्रेंड। तापमान मुआवजों के उपकरण में प्रयोग में किया इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण होते हैं फ्रेंड, जिन्हें तापमान बदलाव के कारण ज्ञात त्रुटियों का मुकाबला करने के लिए डिवाइस किया जाता है गया फ्रेंड। एनालॉग मल्टीमीटर में मापी जाने वाली इकाई की उचित सीमा का चयन करने के लिए एक रेंज स्विच का उपयोग किया जाता है। डायोड टेस्ट के साथ एक डिवाइस में डायोड ऑपरेशन के परीक्षण के तरीके और बैटरी परीक्षण वाले डिवाइस में बैटरी ऑपरेशन के परीक्षण के तरीके होते हैं फ्रेंड। एनालॉग मल्टीमीटर को कैसे पहचान सकते हैं फ्रेंड? जिन मल्टीमीटर मापदंडों को दिखाने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है वह एनालॉग मल्टीमीटर होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। डिजिटल मल्टीमीटर की बात करते हैं फ्रेंड। डिजिटल मल्टीमीटर एक डिजिटल मल्टीमीटर आज परीक्षण उपकरण के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले टुकड़ों में से एक है फ्रेंड। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत सस्ते में उपलब्ध आते हैं फ्रेंड। ये डिजिटल मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट के भीतर मापदंडों को मापते समय बहुत अधिक सटीकता प्रदान कर सकते हैं फ्रेंड। नतीजतन डिजिटल मल्टीमीटर आज उपलब्ध परीक्षण या उपकरण के सबसे अपरिहार्य टुकड़ों में से एक है फ्रेंड। मूल रूप से एनालॉग मल्टीमीटर का उपयोग किया गया था, लेकिन ये केवल उन इन दिनों को शायद ही कभी उपयोग में किए जाते हैं, क्योंकि डिजिटल तकनीक ने डिजिटल मल्टीमीटर को सस्ता बना दिया है। वर्तमान वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने से परे कोई और अधिक क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। डिजिटल मल्टीमीटर एक विद्युत सर्किट के भीतर विभिन्न मापदंडों का माप सकते हैं फ्रेंड। बुनियादी डिजिटल मल्टीमीटर एम्प, वोल्टेज और ओम को माप सकते हैं, जैसे कि पुराने एनालॉग मीटर ने किया था, लेकिन एक एकीकृत सर्किट में आगे की कार्य क्षमता को शामिल करने में आसानी के साथ कई डिजिटल मल्टीमीटर कई अन्य माप भी करने में सक्षम है फ्रेंड। उनमें से कोई भी आवृत्ति, निरंतरता और समय, तापमान और अक्सर कई अन्य माप जैसे कार्य शामिल है फ्रेंड। स्विच और नियंत्रण आमतौर पर मल्टीमीटर पैमाने के भीतर केंद्रीय स्थिति पर मुख्य सीमा या स्विच के साथ सेट होते हैं फ्रेंड। स्विच ऑन ऑफ और प्रदर्शन का आमतौर पर उपकरण है। शीशियों में
शीर्ष पर स्थित रहता है ताकि यह देखना आसान हो या लीड द्वारा स्पष्ट होने से मुक्त हो, और यह भी देखा जा सकता है कि स्विच के संचालित हो रहा है या नहीं। कोई भी अतिरिक्त स्विच आमतौर पर मुख्य स्विच के आसपास स्थित होते हैं जहां उन्हें बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। परीक्षण लीड के लिए कनेक्शन सामान्य रूप से मीटर के सामने वाले पैनल के नीचे स्थित होते हैं। इस तरह लीड को कनेक्शन आसानी से पहुंचा जा सकता है। लीड से स्विच पर और डिस्प्ले के संचालन और दूसरे में ही बाधा नहीं डालते। डिजिटल मल्टीमीटर बहुत ही बहुमुखी और परीक्षण उपकरण के डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कई मीटर मूल्य वोल्टेज वर्तमान और प्रतिरोध से परे हैं अतिरिक्त माप प्रदान करने में सक्षम है। एक डिजिटल मल्टीमीटर खरीदते समय यह एक चयन करने का योग्य है कि जो मल्टीमीटर आप खरीदना चाहते हैं वह मापदंडों को माप सकता है जिन्हें आवश्यकता होने पर परिकल्पित किया जा सकता है। फ्रेंड, डिजिटल मल्टीमीटर की पहचान क्या होती है? फ्रेंड फ्रेंड जिन मल्टीमीटरों में मापदंडों को दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन दी जाती है और डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई मल्टीमीटर की जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो कॉमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।